हेलो एवरीवन, आप लोग दिख रहे हैं FWS। तो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर के साथ यूज़ किया जाने वाला UPS, जिसका यूज़ लोग कंप्यूटर को बैकअप देने के लिए करते हैं और जिसमें पड़ी हुई होती है ये 12 वोल्ट की बैटरी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसकी मदद से कंप्यूटर को बैकअप नहीं देने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग इसकी मदद से घरेलू चीज़ें चलाने वाले हैं, जैसे कि कूलर। और कूलर के अलावा हम लोग यहाँ पे इस छोटे से UPS से चलाएंगे ट्यूबलाइट, फैन, LED बल्ब और सीलिंग फैन। हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी मदद से हम लोग ये सारे उपकरण चला सकते हैं या नहीं, वो तो तभी मालूम चलेगा जब हम लोग चला के चेक करेंगे। तो वैसे यहाँ पे जो रेटिंग लिखी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ, 360 वाट, मतलब चल तो जाना चाहिए हमारी सारी चीज़ें। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले LED बल्ब, जो कि शायद चल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारा LED बल्ब बिना किसी दिक्कत के चल गया। होता ही कितने वाट का है, केवल 7 वाट का, लेकिन इसमें लिखा है 360 वाट, तो मतलब हमारी बड़ी चीज़ें भी इससे चल जानी चाहिए। तो बल्ब तो चल गया बिना किसी दिक्कत के, लेकिन अब की बार हम लोग चेक करेंगे ये LED ट्यूब लाइट, जो कि होती है 20 वाट की। तो चेक करते हैं इसे भी चला के, तो ये भी चल गई है बिना किसी दिक्कत के। तो पहले छोटी चीज़ों से हम लोग बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये रॉड तो आराम से जल गई है। अब की बार भारी है हमारे इस फैन की, टेबल फैन की, जो कि करीब 40-50 वाट का तो होता ही है। तो देखते हैं। तो दोस्तों ये बिना किसी दिक्कत के चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल लाइट से ही चल रहा हो ये फैन। तो दोस्तों फैन भी चल गया बिना किसी दिक्कत के। अभी हम लोग चलाएंगे ये सीलिंग फैन, इसके मैंने पर निकाल दिए हैं और ये चल गया। तो भाई सीलिंग फैन भी चल गया बिना किसी दिक्कत के। तो हमने लगभग सारी छोटी चीजें चला के चेक कर ली हैं। अब बारी है कूलर की, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल कूलर नहीं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे चारों छोटी चीज़ें एक साथ चलाने वाले हैं और देखेंगे कि चलेंगी नहीं, उसके बाद कूलर को चलाएंगे। तो चारों छोटी चीज़ें और मैं हूँ UPS मैन। तो यहाँ पे हमारी चारों छोटी चीज़ें एक साथ चल गई। तो अब की बार हम लोग चलाएंगे कूलर के साथ चारों चीज़ें, कूलर भी इंक्लूड रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, कमाल हो गया, कूलर भी चल रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कूलर को भी चलाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, कूलर चल रहा है और इसका पानी भी ऑन है, ये देखो। तो यहाँ पे छोटा सा UPS कूलर के साथ इन चारों चीज़ों को चला रहा है, टोटल 5 चीज़ें, ये काफ़ी अमेजिंग बात है। वैसे किसी ने भी आज तक ट्राई तो नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया ये सब ट्राई करने में। तो इस तरीके से हमने देखा कि छोटे से कंप्यूटर के UPS ने हमारे लगभग सारे घरेलू उपकरणों को आराम से चलाया। तो इस बात के लाइक तो बनता ही है, साथ ही वीडियो को शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।